हेलो एंड वेलकम बैक टू द गाइज न्यू वीडियो। गाइज आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीन ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो कि आपको 60,000 के अंदर में मिल जाएगा और ये तीनों स्मार्टफोन ऑलराउंडर स्मार्टफोन होने वाले हैं। और गाइज जब आप एक फ़ोन खरीदने में 60,000 रुपया खर्चा कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको एक परफेक्ट, आपको एक ऑलराउंडर, आपको एक पावरफुल मतलब कि हैवी मतलब कि स्मार्टफोन चाहिए होगा ताकि आप लोगों का फुल पैसा वसूल हो सके, क्योंकि 60,000 अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन के बारे में और इन स्मार्टफोन को मैंने रैंक किया है इनके परफॉर्मेंस, इनके स्पेसिफिकेशंस के अनुसार से। तो जो मैंने पहले नंबर पर स्मार्टफोन रखा है, ये दोनों स्मार्टफोन से पहले नंबर वाला स्मार्टफोन जो होगा वो काफ़ी बढ़िया हुआ। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जो मैंने तीसरे नंबर पे स्मार्टफोन रखा है ये एक वन प्लस की तरफ से स्मार्टफोन है, वन प्लस 11। जी हाँ फ्रेंड्स, और इस फोन का प्राइस जाकर के मैंने जब चेक किया तो 16GB रैम, 16GB रैम, 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको मिल रहा था 61,474 रुपीज़ में, यानी कि 61,000 के आसपास से आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। और आप लोग बैंक वगैरह का ऑफर लगाते हो तो आप लोगों को ये 60,000 से नीचे में ही आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि इस फोन में क्या कुछ खास दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं हम फोन की डिस्प्ले की क्वालिटी की, तो 6.7 इंच की एक क्वाड HD प्लस 2K AMOLED वाला डिस्प्ले दिया हुआ है और ये एक सुपर फ्लूइड डिस्प्ले है। और इस डिस्प्ले में आपको मिल जाता है 120Hz का हाईर रिफ्रेश रेट, तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दी हुई है, रिफ्रेश रेट भी काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है और क्वाड HD प्लस डिस्प्ले है, तो मतलब कि 60,000 के अंदर में आपको तो ये सब मिलना ही चाहिए और ये सब कुछ दिया हुआ है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगा। और बात करते हैं फ़ोन के कुछ अदर फीचर के बारे में, तो इस फोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट दिया हुआ है, इन डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है जो कि काफ़ी फास्ट काम करता है। और ये फ़ोन जो है एंड्रॉयड 13 के ऊपर आता है और ये बेस्ड है ऑक्सीजन OS 13 के ऊपर, यानी कि इसमें जो है ब्लोटवेयर आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगा और एंड्रॉयड 13 दिया हुआ है तो ठीक ही दिया हुआ है, यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं मिलेगा। और बैटरी की बात कर ले तो इस फोन में 5000mAh की एक बड़ी बैटरी दी हुई है और उसको चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स में 100W का सुपर फास्ट चार्जर दिया हुआ है और इसको चार्ज होने में जो है आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे, 25 मिनट से ही आपको ये फुल चार्ज कर देगा और नॉर्मल जिसमें आपको 1 डे का बैकअप मिल जाएगा वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और बात करते हैं फ़ोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो बैक के साइड में दिया हुआ ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसमें कि 50MP का 50MP का मेन कैमरा दिया हुआ है और इसमें OIS और EIS दोनों का सपोर्ट दिया हुआ है। बाकी 48MP का जो है अल्ट्रा वाइड एंगल और 32MP का पोर्ट्रेट सेंसर दिया हुआ है और इसके मेन कैमरे से आप मैक्सिमम 8K 24fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और फ्रंट में सेल्फी कैमरे की बात कर ले तो 16MP का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है और उसके सेल्फी कैमरे से भी आप मैक्सिमम 4K 60fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी आपको कैमरा में सारे फीचर मिल जाएंगे, वहाँ पर भी कोई कमी नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोग जो 60,000 अमाउंट तो दे रहे हो तो इसमें आपको सारे फीचर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको कोई कमी नहीं मिलेगा। और फाइनली बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस फोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया हुआ है, स्नैपड्रैगन 8 Zen 2, और ये मतलब कि प्राइस के अनुसार से काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। और ये मतलब कि आप लोग इसमें बैटल ग्राउंड गेम वगैरह की बात कर ले तो आप लोग बैटल ग्राउंड गेम वगैरह भी अल्ट्रा और हायर सेटिंग पर प्ले कर सकते हो, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी डे टू डे लाइफ यूजर्स में बिल्कुल ही मक्खन वाला एक्सपीरियंस रहेगा और आप लोग लंबे टाइम तक गेम भी प्ले कर पाओगे, पबजी वगैरह, फ्री फायर वगैरह अल्ट्रा सेटिंग पर भी, वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत लेकर के नहीं आएगा, यानी कि प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल दिया हुआ है। तो गाइस यार ये रहा तीसरा नंबर वाला स्मार्टफोन, चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो गाइस जो मैंने दूसरे नंबर पे स्मार्टफोन रखा है ये एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है जो कि सैमसंग की तरफ से है, सैमसंग गैलेक्सी S22। और इस फोन का प्राइस जाकर के मैंने जब चेक किया तो 8GB रैम, 256GB स्टोरेज वाला वेरियंट आपको मिल रहा था 57,819 रुपीज़ में, यानी कि आपको ये 57,000 में ही मिल जाएगा 8GB रैम, 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट। और बैंक वगैरह का ऑफर लगाइएगा तो आप लोग ये और सस्ता में ले सकते हो। चलिए बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि इस फोन में क्या कुछ खास दिया हुआ है। सबसे पहले डिस्प्ले की क्वालिटी की बात कर ले तो 6.1 इंच की एक फुल HD प्लस डायनेमिक AMOLED वाला पैनल दिया हुआ है और इस पैनल में आपको मिल जाता है 120Hz का हाईर रिफ्रेश रेट। बाकी आपको HDR10+ सपोर्ट का दिया हुआ है, वाइड वन 11 का भी सपोर्ट दिया हुआ है और बाकी सारे भी फीचर दिए गए हैं, यहाँ पर भी कोई कमी नहीं मिलेगा। डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी सही है प्राइस के अनुसार से, मतलब कि सारे फीचर दिए गए हैं, यहाँ पर कोई कमी नहीं है। और बात करते हैं फोन के कुछ अदर फीचर के बारे में, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया हुआ है और ये फोन एंड्रॉयड 12 के ऊपर आता है जो कि है 1 UI 12 के ऊपर बेस्ड है।
और बैटरी की बात कर ले तो 3700 mAh की एक बड़ी बैटरी दी हुई है, और उसको चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स में दिया हुआ है 25W का फास्ट चार्जर, जो कि फ़ोन को आराम से जो है मतलब कि 30 से 40 मिनट में फुल चार्ज कर देगा और आपको नॉर्मल यूजेस वन डे का बैकअप दे ही देगा फ़ोन, यहाँ पर भी हमको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और बात करते हैं फ़ोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो बैक के साइड में दिया हुआ है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें कि 50 मेगापिक्सल का, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस दिया हुआ है। इसके मेन कैमरे से आप मैक्सिमम 8K 30fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और फ्रंट में सेल्फी कैमरे की बात कर ले तो 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है, और उससे भी आप लोग मैक्सिमम 4K 60fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी आपको कैमरा में सारे फीचर दिए गए हैं, वहाँ पर भी कोई कमी नहीं मिलेगा। और फाइनली प्रोसेसर की बात कर ले तो इस फोन में भी वही सेम प्रोसेसर दिया हुआ है स्नैपड्रैगन की तरफ से, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, और ये प्रोसेसर मतलब कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, बैटल ग्राउंड्स गेम प्ले करो या फिर हैवी टास्क मल्टीटास्किंग हैवी यूजेज में कोई दिक्कत आपको लेकर के आएगा ही नहीं, बिल्कुल ही मक्खन वाला एक्सपीरियंस रहेगा, यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। जो मैंने पहले नंबर पर स्मार्टफोन रखा है इसको जान करके आप बहुत ही खुश होने वाले हो। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फोन है आईफोन, जो कि iPhone 13, और इस फोन का प्राइस जाकर मैंने जब चेक किया तो 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट जो था ये आपको मिल रहा था 62,999 में, यानी कि 62,000 में ही आपको ये फोन मिल रहा था, 62,000-63,000 के बीच में। और आप लोग बैंक वगैरह का ऑफर लगाते हो तो आप लोग को ये फोन और भी सस्ता में मिल जाएगा, या फिर फेस्टिवल में खरीदते हो तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है, आईफोन 13 आप लोग ले सकते हो। चलिए बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो 6.1 इंच की एक फुल एचडी प्लस सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले दी हुई है, तो आप लोग समझ सकते हो आईफोन है तो कितना अच्छा डिस्प्ले होगा। और बाकी 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है, 1200 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस दिया हुआ है, जिससे कि आप लोग धूप वगैरह में भी फोन को यूज कर सको, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आए। और फोन के कुछ अदर फीचर के बारे में बात कर ले तो आपको था इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो मिलेगा ही, जो कि काफ़ी फास्ट काम करता है। बाकी iOS 15 के ऊपर ये फ़ोन मिल जाएगा आपको, और इसमें जो है बैटरी की बात कर ले तो 3200 mAh की एक बड़ी बैटरी दी हुई है, और उसको चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स में चार्जर तो मिलेगा नहीं, आप लोग को एक्स्ट्रा बाहर से खरीदना पड़ता है। और बात करते हैं कैमरा सेटअप के बारे में, तो बैक के साइड में दिया हुआ है डुअल कैमरा सेटअप, जिसमें कि 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का एक और कैमरा दिया हुआ है। इसके मेन कैमरे से आप मैक्सिमम 4K 60fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और फ्रंट में सेल्फी कैमरे की बात कर ले तो उसमें भी आप लोग को जो है 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है, और इसे ही आप लोग मैक्सिमम 4K 60fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब ये कहने के लिए केवल 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन इसका कैमरा क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, आप लोग समझ सकते हो वो आईफोन है। और बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, चिप के बारे में, तो इस फोन में जो है एप्पल का A15 बायोनिक चिपसेट दिया हुआ है, जो कि इनका खुद है एप्पल A15, और ये मतलब कि काफ़ी अच्छा चिपसेट है, बैटल ग्राउंड्स गेम करो, हैवी टास्किंग मल्टी यूजेज में कोई दिक्कत लगकर नहीं आएगा। आईफोन 13 आप लोग समझ सकते हो कितना अच्छा स्मार्टफोन है, इसलिए मैंने आपको इसको पहले नंबर पर रखा है। तो गाइस तीनों स्मार्टफोन के बारे में मैंने बता दिया, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।